मोरिंगा यानी सहजन के पेड़ कई बीमारी से छुटकारा दिलाने में काम आता है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसका सभी भाग जैसे छाल, फलियां, पत्तियां, फूल, फल, बीज, जड़े सब कुछ खाने योग्य होता है। इसीलिए इस पेड़ को मिराकल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे बारहमासी सहजन की नर्सरी कैसे तैयार किया जाता है। इस वीडियो में हम ODC3 को ग्रो करेंगे और हम पहला दिन से लेके 15 दिन तक का अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। हमने जून के फर्स्ट वीक में पौधा तैयार किया क्योंकि इस टाइम जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा मिलता है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार कर लेना है और धूप में 4-5 दिन सुखाना है। 60% मिट्टी के साथ 40% गोबर खाद मिलाकर और प्रति 5 kg मिट्टी के लिए 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को मिलाकर मिट्टी को तैयार करना है। अब मिट्टी को पॉट में भर लेना है। 4x6 इंच वाला नर्सरी पॉलीथीन बैग अच्छा होता है अगर आपको 2 महीने में पौध लगाना है। उसके बाद हम सहजन के बीज को 2 रात के लिए ट्राइकोडर्मा मिला हुआ पानी में भिगा लेंगे। 1 लीटर पानी में 10 से 20 ग्राम तक ट्राइकोडर्मा हम मिला सकते हैं। मिट्टी को पॉली बैग में भरने के बाद ट्राइकोडर्मा पानी में भिगा हुआ बीज को निकाल कर आधा घंटे के लिए सुखा लेंगे और फिर एक एक करके पॉली बैग में बिठा देंगे। बीज को 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो जर्मिनेशन लेट होता है और कई बार सड़ भी जाता है। बीज को लगाने के बाद अच्छे से पानी दे देंगे। जून के महीने में 3 दिन के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन के बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। 4 दिन बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 5 दिन बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। छह दिन बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सात दिन बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आठ दिन बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 10 दिन बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 15 दिन बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तब आपका पौधा रेडी हो जाएगा ट्रांसप्लांट करने के लिए। लेकिन कई किसान 2 से 3 फीट बड़ा करके 40 से 50 दिन बाद लगाते हैं। मोरिंगा को लगाने के लिए आप 1 फीट बाई 1 फीट का गड्ढा करके उस मिट्टी के साथ 2 से 2.5 किलो कंपोस्ट खाद मिलाकर लगा सकते हैं। इसे लगाने का सही समय जुलाई से लेकर अक्टूबर तक होता है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।